माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में आपने यूनिट थर्ड तक कंप्लीट कर ली थी कल। आज हम करते हैं यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ में अपना जो यूनिट फोर्थ का जो सेकंड जो पार्ट है वो डबल फर्टिलाइजेशन और एपोमिसिस है। तो आज हम डबल फर्टिलाइजेशन और एपोमिसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक आता आपका सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि लैंगिक असंगता। लैंगिक असंगता का मतलब ये हो गया कि कोई भी पुष्प, कोई भी एक पादप जाति में नर और मादा जनन होते हैं, वो आपस में संयुक्त नहीं हो पाते हैं, उनमें मिसमैच पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक बाइसेक्सुअल पुष्प हो गया और एक बाइसेक्सुअल पुष्प में एक नर जनन के रूप में जो परागकण होते हैं उसके कुतंतु काफी बड़े हो जाते हैं जबकि मादा जनन छोटी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से उनमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। अन्य बहुत से कारण होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही पादप जाति में उपस्थित और नर और मादा जननांग होते हैं जिसमें परागकण जो होते हैं वो मादा जननांग की स्टिग्मा पर जाकर के अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जिससे जायगोट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो जब नर और मादा जननांग सेक्सुअल रूप से आपस में रिकॉम्बिनेट नहीं कर पाएंगे उसे हम सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इस सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? वैसे तो आपको पता ही होगा, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि जो ओव्यूल होता है बीजांड के अध्यावण होते हैं और अध्यावण के अंदर गुणकोश होता है, और आपसी पादपों में 81% जो है वो सात कोशिकीय और 8 केंद्रीय पॉलीगोनल प्रकार का गुणकोश पाया जाता है। इस सात कोशिकीय और 8 केंद्रीय गुणकोश में डबल फर्टिलाइजेशन की डिटेल आप बुक से पढ़ लेना अच्छे से। आपको पता भी है, मुझे मालूम है लगभग 70% स्टूडेंट को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये गुणकोश हो गया, ये आपका गुणकोश है, इस गुणकोश में ये तीन जो है वो प्रतिमुखी कोशिका हो गई, ये ध्रुवीय कोशिका हो गई, जबकि यहां पर अगर देखें तो ये एक सेल हो गई, ये दो हो गई सिनर्जिक सेल, ये पोलर सेल हो गई, ये एंटीपोडल सेल हो गई। सर वॉल्यूम थोड़ी कम रखिए। तो इनके बाहर अध्यापन होते हैं, ये भी आपको पता ही है, ये बीजांड की संरचना है, इनके बाहर जो होते हैं वो अध्यावण होते हैं, ये भी आपको पता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो परागकण है, ये देखो परागकण, परागकण में एकुणित कोशिका है, इसमें विभाजन होगा तो इकाई कोशिका बनेगी, जनन कोशिका बनाएगी, इकाई कोशिका जनन कोशिका तो नर युग्मक बनाएगी, तो दो नर युग्मक और एक इकाई कोशिका युक्त तीन कोशिकीय परागकण या दो कोशिकीय परागकण में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये मादा जननांग जो है वो आपके स्टिग्मा पे पहुंचेगा और परागनलिका बनाएगा, और ये स्टाइल से होते हुए, और ये देखो ये ओवरी होता है। ठीक है, ये परागनलिका बनाएगा,
ये प्राकण प्राकृतिक मृदा स्टिग्मा से होते हुए या स्टिग्मा ये स्टाइल और स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ये प्राकृतिका है, ये पोलन ट्यूब है और ये बीजाणु अंदर आपको पता है ये बीजाणु होता है और प्राकृतिका का बीजाणु के प्रवेश जैसा बीजाणु द्वार वाले छोर पर होता है और ये अंदर ये बीजाणु है और बीजाणु प्राकृतिका का बीजाणु के प्रवेश बीजाणु द्वार वाले छोर पर होता है। बीजाणु द्वार में होकर के ये गुणकोश ये अंदर वाला गुणकोश होता है एम्ब्रियो सैक का प्राकृतिका विभागीय छोर से या पार्श्व से या बीजाणु द्वार वाले छोर से प्राकृतिका गुणकोश में प्रवेश करेगी और प्राकृतिका जैसे गुणकोश में प्रवेश करेगी तो दो नर युग्मक त्याग देगी। ठीक है, दो नर युग्मक है वो त्याग देगी, ये बीजाणु कह सकते हैं मयूर। ठीक है, जिसके अंदर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये पोलर सेल है, ये एग सेल है, ये दो सहायक कोशिकाएं हैं। तो जैसे ही दो नर युग्मक त्याग देगी आप बीजों में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें एक मेरिगमेट प्राकण का जो एक मेरिगमेट प्राकण का एक मेरिगमेट प्लस में जो ये पोलर सेल है। ठीक है, पोलर सेल तो एक है लेकिन इसके दो न्यूक्लियाई है। ठीक है, वन पोलर सेल ये आपस में संयुग्मित होकर के अब आपको पता है मेरिगमेट होता है वो हेमोग्लोबिन होता है लेकिन पोलर सेल में न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है डिप्लोइड है सेक्शन से ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे ट्यूबल होंगे। ठीक है, ये आपस में संयुग्मित होकर के गुणकोश का निर्माण करेंगे जिसको एंडोस्पर्म बोलेंगे, जिसको हम गुणकोश या एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब गुणकोश और गुणकोश में अंतर समझ लेना, कईयों को यह भी मालूम नहीं है फर्टिलाइजेशन से पहले गुणकोश बनता है लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मतलब बीजाणु में प्राकृतिका प्रवेश करती है बीजाणु द्वार वाले छोर पर और बीजाणु द्वार वाले छोर पर बीजाणु प्रवेश करने के बाद गुणकोश में प्रवेश करेगी और गुणकोश में जैसे ही प्राकृतिका प्रवेश करेगी तो एक नर युग्मक होता है वो गुणकोश के एग कोशिका है। एक नर युग्मक होता है ये एक मेरिगमेटी गुणकोश के पोलर सेल के साथ संयुग्मित होकर के वो गुणकोश का निर्माण करती है। ठीक है, और गुणकोश होता है वो निषेचन के बाद में परिवर्तित हो रहे या बने गुण को पोषण देने का काम करता है, गुणकोश को एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एक मेरिगमेट और एक पोलर सेल यहाँ पे संयुग्मित हो गई और 3N ट्रिपल 3N यहाँ पे क्या हुआ गया गुणकोश का निर्माण हुआ। इसे ट्राइफ्यूजन अवस्था कहते हैं, ट्राइफ्यूजन या त्रिसंयन, इसे त्रिसंयन कहते हैं। जबकि दूसरी अवस्था में क्या होता है, ये तो फर्स्ट अवस्था थी, जबकि दूसरी अवस्था में क्या होगा, दूसरी अवस्था में जो एक मेल गैमेट जो बचा हुआ है, ठीक है, या इसको हम सेकंड मेल गैमेट कह सकते हैं जो कि मुख्य मेल गैमेट के रूप में कार्य करेगा, ये मेल गैमेट जो होता है वो गुणकोश में उपस्थित एग सेल के साथ में संयुग्मित हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे संयुग्मित होकर के आगे जायगोट का निर्माण करेगा मतलब एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। जायगोट या एम्ब्रियो का क्या करता है, निर्माण करता है जो कि ट्यूबल अवस्था है और ये जायगोट या एम्ब्रियो की दूसरी बार। अब देखो आप किसी बात को में दो बार निषेचन, एक बार तो एक नर युग्मक ने ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ में संयुग्मन किया और एंडोस्पर्म का निर्माण किया, ये फर्स्ट निषेचन है। और दूसरा निषेचन होता है वो दूसरे मेरिगमेट्स ने एग सेल के साथ संयुग्मित किया और जायगोट का निर्माण किया। तो इस प्रकार आवर्तनीय पादपों में प्राकृतिका के अंदर उपस्थित दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होकर गुण का या जायगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय कोशिका के साथ संयुग्मित होकर के गुणकोश या एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। इसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
डबल फिटेड एडहेशन। तो ये जो प्रक्रिया है दोनों का बनना, इसे ही हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आपका टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ध्यान में रखना कि पराग नलिका का निर्माण स्टिग्मा पर होता है। तो पराग नलिका बनने से पहले परागकण तीन या दो कोशिकीय अवस्था में होता है। दो कोशिकीय का अवस्था का मतलब बड़ी काय कोशिका, छोटी जननी कोशिका, और तीन कोशिकीय का अवस्था का मतलब बड़ी काय कोशिका प्लस में दो नर युग्मक की अवस्था। तो तीन या दो कोशिकीय अवस्था में परागकण प्राकृत होकर के मादा जननांग की स्टिग्मा पर पहुंचता है, और वहां पर स्टिग्मा के अंदर जो रसायन स्रावित होते हैं और उन रसायनों से ये परागकण पोषक पदार्थ लेकर के पराग नलिका का निर्माण करेगा। पराग नलिका स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर उपस्थित जो ओव्यूल होता है बीजाणु, उसके बीजाणु द्वार वाले छोर पर प्रवेश करेगी, और वहां पर प्रवेश करने के बाद में वो आगे भ्रूणकोश में प्रवेश है, वो निपाटी छोर या बीजाणु द्वार वाले छोर दोनों छोर से हो सकता है, और वहां पर प्रवेश करने के बाद में पराग नलिका दो नल और क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसे ही ये प्रक्रिया डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आएगी। तो आपका ये डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोलॉजी की बुक में इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, और देख लेना। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करते हैं एपोमिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिसिस। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसे कहते हैं एपोमिसिस। देखो एपो का अर्थ होता है यहां पर बिना, और मिसिस का अर्थ हो गया मिक्सचर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि बिना निषेचन, बिना संयुग्मन और बिना मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के, बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का या एम्ब्रियो का जो निर्माण है इसे ही हम क्या कहते हैं, एपोमिसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल वे में अगर प्राकृतिक रूप से देखें जब अंड कोशिका परागकण नर युग्मक के साथ में संयुक्त होती है तो वो प्राकृतिक रूप से जो निषेचन होता है उसको एम्फीमिसिस कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जायगोट बनता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, लेकिन इसमें तो क्या होता है कि द्विगुणित कोशिका ही मतलब सीधा ही बिना अर्धसूत्री विभाजन के सीधे द्विगुणित कोशिका ही इसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है, इसे एपोमिसिस कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बिना निषेचन या संयुग्मन मियोसिस के, मियोसिस के अंडाशय या बीजाणु लिख सकते हैं, बीजाणु की किसी द्विगुणित कोशिका से, द्विगुणित सेल से एम्ब्रियो का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण एपोमिसिस कहलाता है।
तो शायद आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, कि बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका डिप्लोइड है। आपको पता है कि जो बीजांड होता है उसकी प्रत्येक कोशिका डिप्लोइड होती है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एग सेल होती है वो एग सेल तो मेगास्पोर से न्यूक्लियस से ग्लूकोज का बनता है, वो एक अलग बात होगी, वो हैप्लॉइड सेल है। आपकी बात जरूर आपको दिमाग में आएगा कि एग सेल से बनता है। तो देखो एग सेल में भी मियोसिस नहीं होता है, वो मैं आगे आपको इसकी इस बात कंफ्यूजन में जो है वो दूर करूंगा जब इसके मैं प्रकार बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है एपोमिक्सिस का मतलब यही होगा कि बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण जो होता है बिना निषेचन या सुषुम्न व मियोसिस के, व मियोसिस के बीजांड की किसी द्विगुणित सेल से जो एम्ब्रियो का जो निर्माण है, भ्रूण का निर्माण है, वो एपोमिक्सिस कहलाता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है इसकी बात करते हैं, एक परिभाषा लिख लेते हैं विकलन होने की। विकलन ने बताया लैंगिक जनन की किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्र में युग्मन संलयन नहीं होता है। विकलन होते हैं, विकलन होने की परिभाषा है विकलन होते हैं। विकलन ने बताया कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा या लैंगिक जनन की ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें युग्मक संलयन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स व अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, वह प्रक्रिया एपोमिक्सिस है। तो ये माइग्रेशन स्ट्रेंथ्स विकलन होने के द्वारा ये बात की गई थी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के विधि द्वारा या लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है वह एपोमिक्सिस कहलाती है। मतलब लैंगिक प्रक्रिया ने ऐसी विधि को प्रतिस्थापित कर दिया, लैंगिक विधि ने ऐसी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित कर दिया जिसमें मियोसिस और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। ये किसका कहते हैं विकलन होने का है, ठीक है। अब ऐसे जनन की बात हम करते हैं आगे एपोमिक्सिस की बात करते हैं जिसको असंजनन, हिंदी में असंजनन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, असंजनन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो इसकी ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। अगर असंजनन के प्रकार अगर हम देखें पंचानन माहेश्वरी के अनुसार तो ये दो प्रकार की, एक तो नॉन रिकरेंट और एक रिकरेंट, तो दोनों पढ़ते हैं।
ऐसे जनन का अगर बात करें तो ये एपोमिक्सिस जो होती है, एपोमिक्सिस की जो प्रक्रिया होती है, ये एपोमिक्सिस की प्रक्रिया एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होती है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस की प्रक्रिया एक प्रकार की अलैंगिक जनन ही होती है जिसमें युग्मक संलयन व अर्धस्थायी विभाजन नहीं होता है, ये आपको पता ही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कोई भी संयुग्मन नहीं होता है गैमेट्स का। तो संयुग्मन जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्लांट्स का निर्माण कैसे करेंगे कि कायिक जो जनन होता है वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, कायिक जनन इसके अंतर्गत कैसे आएगा कि कायिक जनन में पादप के जो बीज के अतिरिक्त, मतलब बीज यूज नहीं होगा, बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग यूज होंगे, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, या ब्रांचेस हो गई। तो पादप के जो कायिक भाग से अगर एम्ब्रियो का, मतलब नए प्लांट का निर्माण है, वो भी एपोमिक्सिस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा एकेम्बोस्पर्मी, एकेम्बोस्पर्मी का मतलब ये हो गया, एनिसेक्लिस्टा कहते हैं, एकेम्बो, एक का मतलब बिना, गैमो, गैमस का मतलब होता है बिना, मतलब बिना युग्मक के। ठीक है, एकेम्बस का मतलब क्या होगा, बिना युग्मक के, और स्पर्मी का मतलब बीज, मतलब बिना युग्मक संलयन के बीज का निर्माण जो होगा वो एकेम्बोस्पर्मी में आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो द्विगुणित गुणकोष से कोई भी बीजाणु की से या द्विगुणित गुणकोष से क्या होता है, नए पादप का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अनिषेक बीजता वो तीन प्रकार की हो सकती है, वो कितने, वो कैसे, तो देखिए इसके टाइप्स की बात करें, जनन वे में मैं टाइप आपको फटाफट बता देता हूँ, ये पंचजनन महाविश्वर के मैं टाइप्स आपको अलग अलग बताऊंगा। तो फर्स्ट में तो क्या हो गया काई जनन, तो काई जनन भी इसमें आएगा, जो काई जनन है वो भी इसमें आएगा। अब काई जनन का आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, पादप के कायिक भाग से क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो भी एपोमिक्सिस में आएगा। और दूसरा जो इसका जो प्रकार है जनरल, अगर इसके सामान्य प्रकार देखो, एपोमिक्सिस के दो भागों में बांटा गया है, एक तो इसके सामान्य प्रकार जो मैं बता रहा हूँ दो के प्रकार के, दूसरा है पंचजनन महाविश्वरी के चार प्रकार। तो सामान्य प्रकार मैं बता देता हूँ कि एक तो इसको कायिक जनन हो गया, और दूसरा हो गया एकेम्बोस्पर्मी, एकेम्बोस्पर्मी। एक एगोस्पर्मी की अगर बात करें तो एक एगोस्पर्मी में एनिषेक बीजता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिषेक बीजता, इस प्रक्रिया को एनिषेक बीजता बोलते हैं। और एक एगोस्पर्मी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो बीज का निर्माण होगा, इसमें सीड का निर्माण होगा, सीड का निर्माण जो होगा, लेकिन बिना युग्मकों के से, लेकिन बिना युग्मकों के संलयन के, कायिक जनन में सीड का निर्माण नहीं होता है, डायरेक्ट ही पादप का कायिक भाग नए पादप बना लेता है, लेकिन इसमें सीड का निर्माण होगा, लेकिन बिना युग्मकों के संलयन के बीज का निर्माण होगा। बिना युग्मकों के संलयन के बीज का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, यह हो सकता है अपनी बीजाणु की जो ओव्यूल्स की या बीजाणु की डिप्लोइड सेल्स से, ओव्यूल की डिप्लोइड जो सेल्स से है वो निर्माण होगा।